तो ये क्लास 10 का है, पांचवा अध्याय एराइथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। इसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। जरा सा इस पद को देखा जाए, इसके बीच का अंतर है कितना, दो। इसके बीच का फिर से अंतर कितना है, दो। इसके बीच का अंतर कितना है, दो। और ये क्या है, दो। अर्थात ये एक ऐसा श्रेणी है जो हमें प्रथम संख्या में दो दो जोड़ने के पश्चात मिलता है, और यह एक दो तीन चार और पांच टर्म है। इंग्लिश में इसे हम टर्म और हिंदी में इसे पद कहेंगे, अर्थात पद या टर्म्स। ये पांच हो गए। उसी प्रकार से यहां 20 में पांच घटाते हैं तो 15, इसी तरह से यहां घटाते हैं तो 10, इसी तरह घटाते हैं तो 5, इसी तरह यहां घटाते हैं तो 0, फिर इसी तरह यहां घटाते हैं तो -5 मिलता है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में पहले को छोड़कर अंत तक 5-5 घटाने पर जो श्रेणी प्राप्त हुआ उसमें प्रत्येक में 5 घटाया जा रहा है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहां पर 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, इसी तरह से 3 जोड़ा जा रहा है, परंतु हमारा ये जो पद है इस पद में कुछ भी नहीं जोड़ा जा रहा है, अर्थात 0 जुट नहीं रहा है, समान संख्या है। अर्थात इस प्रकार के पद को देखकर हम कह सकते हैं कि ये ऐसे पद हैं जिसका पदों का जो डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वह क्या है, समान है। तो अगर पदों का अंतर समान हो तो इसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ मेनी टर्म्स आर इक्वल देन वी कॉल दैट एराइथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। जरा सा एनसीईआरटी का एक डिफिनेशन देख लिया जाए, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने, निश्चित संख्या और वो भी जोड़ने पर प्राप्त होता है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेंड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म्स। इसी फिक्स्ड टर्म को हम लोग हिंदी में सार्वंतर और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, अर्थात यही फिक्स टर्म कहलाता है एपी का सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। यह क्या हो सकता है, यह धनात्मक हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है, या यह शून्य हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जैसा कि यहां देख लें, इसका जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम डिनोट करते हैं डी से, याद रखना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 2। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, -5। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 0। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस प्लस यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब आते हैं कि एपी को लिखा कैसे जाता है। तो एपी को जो हमने लिखा है इसमें इसके प्रत्येक पद को या प्रत्येक संख्या को हम पद कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम टर्म्स कहते हैं। इस टर्म्स को जब हम एक साथ लिख देंगे तो वह एपी कहलाएगा। ये रहा हमारा एपी। तो एपी का रूप कैसा होता है, एपी यही है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा और लास्ट की जो संख्या होगी उसको हम nth टर्म या nवां पद या हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। इसको हम लोग an भी मानते हैं और किसी किसी किताब में l भी माना गया। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, अब जनरल फॉर्म हम देख लेते हैं एपी का। पहला हो गया, पहला पद यानी प्रथम पद को हम क्या बोलेंगे, ए। सेकेंड टर्म जो होगा, सेकेंड टर्म वो होगा ए प्लस डी, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। जरा सा यहां देख लिया जाए, ए का वैल्यू, ए वन का वैल्यू यहां क्या है, 2, ए टू का वैल्यू क्या है, 4, ए थ्री का वैल्यू क्या है, 6, और ए एन का वैल्यू क्या है,
10 और इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान क्या है 2। तो समांतर श्रेणी का यही व्यापक रूप है, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये बढ़ते बढ़ते हम लोगों का आगे जहां तक ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। यदि ऐसे पद जहां पर ये डॉट डॉट लगा हो इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, तो जिस एपी का पदों की संख्या निश्चित नहीं होगी उसको हम लोग अनिश्चित समांतर श्रेणी कहते हैं, और जिसमें पदों की संख्या समान रहती है, निश्चित रहती है, समान निश्चित रहती है, उसे हम कहते हैं डिफिनिट या हाँ डिफिनिट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का अर्थ है जैसे यहाँ है पांच, पांच ही है, अर्थात ये कैसा हो गया डिफिनिट यानी कि निश्चित हो गए, परंतु यदि कह दिया जाएगा सम संख्याओं का समूह तो सम संख्या कितने हैं इसकी हम गणना नहीं कर सकते, अर्थात वो क्या हो जाएगा इनफिनाइट। अब ये प्रथम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित एपी के प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर यही सार्वंतर है और इंग्लिश में इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और प्रथम पद को फर्स्ट टर्म कहते थे, यानी कि इस एपी का, ये सभी एपी में है तो एपी का हमको प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद सबसे पहले ये देखना है, प्रथम पद प्रथम पद प्रथम पद जो पहले लिखा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं प्रथम पद, अर्थात इस एपी का प्रथम पद। प्रथम पद को किससे डिनोट करेंगे हम, ए से, तो ए लिखें या हिंदी में हम लिख दें प्रथम पद, लेकिन इसको डिनोटिंग करते हैं तो इसलिए हमेशा इसको क्या लिखना है ए। ए बराबर क्या निकल गया मेरा 3/2। दूसरा हमें पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं डी से, तो डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए हमेशा हमको क्या करना है एपी में इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते दाहिने तरफ जाना है। दाहिने तरफ जाएंगे जैसे कि ये पहला पद है और ये क्या है दूसरा पद, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि अगर इसको हम A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें, इसको A4 मान लें डॉट डॉट डॉट, तो हमेशा किसको घटाना है यानी A2 माइनस A1। और ऐसा नहीं है कि A2 माइनस A1 को ही घटाएंगे तो निकलेगा, हम A3 और A2 को भी घटाएंगे तो निकलेगा, A3 माइनस A2 को भी घटाएंगे, यानी हमको ध्यान क्या रखना है अपने दाहिने तरफ वाले में से बाएं को घटाना है, यानी कि बाद वाला पद पहले लिखना है और पहले वाला पद बाद में लिखना है। ये दोनों में से कोई ले लें या A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं, कोई भी निकालेंगे सब बराबर आएगा। A2 क्या है यहाँ पर 1/2 माइनस A1 क्या है 3/2, इसका एलसीएम ले लेना है 2, ये हो गया क्या निकला -2 निकला बटा 2 कट गया कितना आ गया -1। अब इसको हम निकालते हैं A3 कितना है -1/2 और यहाँ लिखा हुआ है -A2 कितना है 1/2। अब हम इसको अगर जोड़ दें -1 -1 यानी -2/2, इसी प्रकार से इसको भी घटाने पर हमको क्या आएगा -1 ही आएगा, अर्थात मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -1। इसको मिटा देते हैं यानी हम लोगों का कॉमन डिफरेंस आ गया -1। इसी तरह से सब में निकालना है। अब जैसे इसको निकालते हैं, एक और निकालते हैं, बाकी बात सब प्रैक्टिस द्वारा बन जाएगा। प्रथम पद क्या हो गया इसका, अगर हम इसको एक नंबर लिख दें 2 3 4, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया ठीक है, और डी निकालेंगे तो क्या बोले बाद वाले में से पहले वाले को घटाना, बाद में क्या लिखा हुआ यानी कि इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो इसको बोलेंगे हम प्रोड्यूसिंग और इसको बोलेंगे सक्सेसिव, तो इसमें से इसको माइनस करना है, 16 में से घटा देंगे हम 22, कितना बचेगा -6। इसी तरह इसमें से घटाएंगे तो भी -6 ही बचेगा, यानी इसका ए प्रथम पद हो गया 22 और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर क्या हो गया 6। इसी तरह से इसका हम डी ए क्या हो गया इसका 1 और दूसरा डी निकालना है हमको, डी बराबर फिर लिखेंगे इसको -1, अब फिर यहाँ क्या साइन देंगे माइनस, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो क्या हो गया -1, क्लियर है। उसी तरह से इसका निकालेंगे ए बराबर क्या आ गया 1 5 15 और डी बराबर कितना आ गया 17 -15 बराबर कितना 2, यही हम लोगों का ये बन गया। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो उनके अगले दो पद लिखिए, यानी कि हमको इसमें
विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, यानी कि इसमें से हमको पता करना है कि ये जो लिखा हुआ पद है यह समांतर श्रेणी का निर्माण करता है या नहीं, अर्थात एपी बनाता है या नहीं। तो एपी में कौन होता है, एपी में वही होता है जैसे बताए थे जिसका सार्व अंतर समान हो, वही क्या कहलाएगा एपी। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म्स आर इक्वल देन इट वुड बी इट विल बी कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंस अगर इस दोनों पद का, इस दोनों पद का और इस दोनों पद का इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में है, उसी तरह इसका भी निकालेंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी ये पद हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो सब में लिखने की जरूरत नहीं है, हम मान लेते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हम पहला कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी कि डी वन निकालते हैं। डी वन का क्या होगा, ये दोनों घटेगा अर्थात ए टू माइनस ए वन, लिखना है ए टू माइनस ए वन और उसके जगह पर हम मान बिठा देंगे। क्या मान होगा इसका, ए टू का, ए टू के नीचे 10 और ए वन के नीचे 4, यानी इसका मान क्या आ गया 6। अब हम निकालेंगे डी टू, डी टू मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, इस दोनों का, यानी कि ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री क्या आ रहा है 16 और 2 10 बराबर कितने हो गए 6। फिर उसी तरह से डी थ्री निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स यानी कि 22, यानी कि ए फोर माइनस ए थ्री यानी कि 22 माइनस 16, ये भी आ गया 6। यदि हम चाहें तो यह नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ये अपने अपने लिखने का स्टाइल है, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं। हम प्रथम पद द्वितीय पद भी लिख सकते हैं या डिनोटिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारे पास चार पद था और चारों पदों के बीच का अंतर यानी सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। डी वन इज इक्वल टू डी टू एंड इज इक्वल टू डी थ्री इज इक्वल टू 6। तो लिखेंगे दिया, यानी कि हम लिख लेंगे दिया गया पद एपी में है, गिवन टर्म्स आर इन एपी। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है यदि एपी में है तो उसके अगले दो पद लिखें, दो पद अर्थात आगे का दो पद लिखना है। यहां हमारे पास कितने पद हैं, 4, तो जितने पद हैं उसके बाद के पद लिखने, 4 हैं तो हमारे पास 4 हैं, जिसके मतलब इसका अर्थ हो गया हमको पांचवा निकालना है और क्या निकालना है 6। तो जब हम अगला पद निकालेंगे तो अगला पद निकालने का एक रूल है, एक तरीका है। क्या है तरीका, कि इसमें हमने कितना जोड़ा जो 10 आया 6, उसी प्रकार इसमें कितना जोड़ा जो 16 आया 6, उसी तरह इसमें कितना जोड़ा 6, तो उसी प्रकार इसमें भी कितना जोड़ेगा 6 और फिर अगले में भी कितना जोड़ेगा 6। और ये 6 है क्या, कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी ए फाइव का क्या होगा, ए फाइव से पहले क्या लिखा था 4, यानी कि इसका फॉर्मूला अगर हम बनाए तो ए फाइव इज इक्वल हो जाएगा ए फोर प्लस डी, तो ए फोर क्या था 22 और डी क्या आया है 6, यानी कि 22 और 6 कितने हो गए 28। उसी प्रकार से ए सिक्स बनाएंगे तो ए सिक्स से पहले क्या था ए फाइव और इसमें क्या जोड़ देना है डी, यानी ए फाइव की जगह पर हम क्या रख देंगे 28 और डी की जगह पर क्या लिखेंगे 6, 28 और 6 कितने हो जाएंगे 34, यानी हमारा पांचवा पद और छठा पद निकल गया। इसी तरह से हम इसका भी हल करेंगे, चलिए D1 निकालते हैं। D1 का मान हो गया इसको और इसको घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1, A2 क्या है माइनस 1 माइनस और यहाँ 1 है, अर्थात एक में से एक घटेंगे तो कितने बचेंगे। इसी प्रकार से इस दोनों को घटाएंगे, इसका नाम हमने रखा है D2, इसको ध्यान रखना है। D2 क्या हो गया, यानी कि A3 माइनस A2, ए थ्री की जगह पर क्या आएगा माइनस 3 और यहाँ माइनस पहले से है और इसमें फिर से माइनस लगा हुआ, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 3 में से एक जाएगा तो भी ये क्या बचेगा माइनस 2, ये दोनों मिल गया। अब तीसरा भी निकाल लेते हैं, जहाँ तक पद दिया रहेगा वहाँ तक निकाल लेना अच्छा है, यहाँ से यहाँ घटा दिए तो ए फोर माइनस ए थ्री, यानी कि अब आप क्या आ गया माइनस 5 माइनस माइनस 3 हो गया माइनस 5 प्लस 3 दैट इज माइनस 2। यहाँ पर भी ये पद ये और ये तीनों कॉमन डिफरेंस है, यानी कि डी वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी थ्री इज इक्वल टू आ गया माइनस 2, यानी सभी
पदों के कॉमन डिफरेंस सभी पदों के सार्वांतर समान है, अतः यह भी एपी में है, यानी कि यहां तक, यानी कि टर्म्स आर इन एपी। और अगर एपी में है तो फिर से हमको निकालना पड़ेगा पांचवा पद। जरूरी नहीं है कि सब में पांचवा पद ही निकालना हो, क्योंकि इसमें चार दिया है तो पांचवा ही निकालना है। पांचवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से देखो, ए फोर प्लस डी, ए फोर इज माइनस फाइव एंड डी माइनस टू, तो पांच माइनस पांच में माइनस दो को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस सेवन। इसी तरह से ए सिक्स इज इक्वल टू ए फाइव प्लस डी, और ए फाइव है कितना, माइनस सेवन, और डी तुम्हारा है माइनस टू, माइनस नाइन। इस प्रकार से ये दोनों हल कर लेना। अब तीसरा और चौथा प्रश्न,